नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और हाजिर हूँ मैं देश दुनिया की खबरें लेकर। तो आज की जो न्यूज़ है वो है आइकॉन ऑफ द सी। क्या है आइकॉन ऑफ द सी? आइकॉन ऑफ द सी संसार का सबसे बड़ा पानी वाला जहाज है। आइए देखते हैं, चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये है आइकॉन ऑफ द सी, द बिगेस्ट शिप ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले वंडर ऑफ द सी संसार का सबसे बड़ा पानी वाला जहाज था और चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस साल के अक्टूबर महीने में यह समुद्र में उतरेगा। 26 अक्टूबर को यह पानी में उतरेगा और कैरेबियन, रॉयल कैरेबियन जो जहाजी बेड़ा है उसमें शामिल हो जाएगा। तो देखते हैं इसे क्या है विशेषताएं। इसकी विशेषता यह है कि इसकी जो लंबाई है वो 1200 फीट है। इसकी लंबाई 1200 फीट है और तो आइकॉन ऑफ द सी की लंबाई 1200 फीट है और जबकि वंडर ऑफ द सी की लंबाई 1188 फीट है। और आइकॉन ऑफ द सी की जो क्षमताएं हैं देखिए, ये 20 इसमें डेक हैं और ये डेक देख सकते हैं आप, ये 20 डेक हैं और क्षमता इसकी 2,50,800 टन, 2,50,800 टन वजन उठाने में सक्षम है। 2,50,800 टन वजन उठाने में सक्षम है, यानी इतनी कैपेसिटी है इसमें। इसके बाद ये पानी में चल सकता है, तैर सकता है और इसमें 5,610 यात्री यात्रा कर सकेंगे और उसमें जो क्रू मेंबर, इसके जो क्रू मेंबर हैं वो हैं 2,350। और अन्य चीजें हैं, इसमें 6 वाटर स्लाइड हैं और 7 पूल हैं और 9 गर्म पानी के पूल। पानी वाला जहाज 15-15 दिन तक, पानी वाला जहाज 15-15 दिनों तक समुद्री यात्रा करता है, समुद्र में रहता है। तो उसमें वो सारी सुविधाएं होती हैं जो एक व्यक्ति को दैनिक जीवन में चाहिए होती हैं, जैसे जैसे इसमें नहाने के लिए सुविधाएं होती हैं। तो और इतनी लंबी लंबी यात्रा जब करता है तो उसमें इंटरनेट, तो इसमें एंटरटेनमेंट के सारे साधन मौजूद होते हैं। इसमें फुटबॉल का मैदान होता है और इसमें जो है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी एक हवाई पट्टी बनी होती है। ये सारी सुविधाएं से ये लेस है। इसका नाम है आइकॉन ऑफ द सी। तो ये आइकॉन ऑफ द सी आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो निर्माण किया है, इसका जो निर्माण किया है वो फिनलैंड की कंपनी है, इसका नाम है मेयर तुर्क शिपयार्ड। ठीक है, शिपयार्ड में ही जहाज बनाए जाते हैं, तो फिनलैंड स्थित मेयर तुर्क शिपयार्ड में बना है और ये 26 अक्टूबर को रॉयल कैरेबियन जो जहाजी बेड़ा है उसमें शामिल हो जाएगा। इसके जो रॉयल कैरेबियन के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, यानी रॉयल कैरेबियन के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये है माइकल वेले। और माइकल वेले ने इसको बताया है कि ये 26 अक्टूबर 2023 तक रॉयल कैरेबियन जहाजी बेड़े में शामिल हो जाएगा। ये रही न्यूज आज की। तो आज की न्यूज इतनी ही। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि चैनल पर जो चीजें, चैनल पर जो वीडियोस आते हैं वो आपको कैसे लगे। नमस्कार, मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे।